छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बुधवार को विश्व रैबीज डे मनाया गया। जिला स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ की टीम ने रैबीज दिवस पर लोगों को बचाव करने के तरीके बताए। रैबीज के बारे में जागरूकता पैदा करना और लोगों को इस घातक बीमारी से बचाने के लिए हर साल 28 सितंबर को दुनिया भर में रैबीज दिवस मनाया जाता है। वहीं रैबीज बीमारी कुत्तों, बिल्लियों और बंदरों के काटने से फैलती है। आपको बता दें कि WHO के अनुसार लस्सा वायरस से संक्रमित जानवर के काटने से मनुष्यों में रैबीज का संक्रमण होता है। ये एक जूनोटिक बीमारी है जो संक्रमित बिल्लियां, कुत्तों और बंदरों के काटने से इंसानों में फैल जाती हैं। इससे मस्तिष्क में सूजन भी हो सकती है। वहीं ऐसा माना जाता है कि रैबीज के 99% मामले कुत्तों से इंसानों में फैलते हैं, जिससे रैबीज से होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ जाती है।